अब आप सबकी राय जानना चाहूंगा, व्हाट डिड यू गाइस थिंक ऑफ देयर ओपिनियन? कहीं ना कहीं इट रिफ्लेक्टेड द जेलसी, द इनसिक्योरिटी दैट वाज ब्रूइंग इनसाइड. उन्हें पता है कि राहुल लव्स मी, बट ये बात बर्दाश्त करने का शायद उन लोग में उतना एबिलिटी नहीं है, इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग भी आ रहा है. एलिमिनेटेड लड़कियां जितनी बददिमाग और बदतमीज हैं, उन्हें उसी तरह की फितरत की डिम्पी पसंद आई, तो ये एक जाहिर सी बात है कि उन सबको यूनानिमसली डिम्पी का नाम लेना ही था. आई थिंक दे आर वेरी स्टूपिड कि राहुल जो बोल रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा, एंड वो कोई रीजन मिल नहीं रहा, तो वो एज को पकड़ के बैठी हुई है कि हरप्रीत की एज छोटी है, एंड दैट्स व्हाई शी इज नॉट कम्पैटिबल विद राहुल. आई थिंक कि प्रियदर्शनी और चार्मी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन जब बात ऑनेस्टी की आई और जब मैंने उनका नाम लिया कि आई डोंट थिंक दे मेक द राइट मैच विद राहुल, तो आई थिंक ओवरनाइट उनका ओपिनियन चेंज हो गया. मुझे पता है प्रियदर्शनी इज वेरी रिवेंजफुल और उसने वही किया है. और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं यहां तक जो पहुंची हूं वो डेफिनेटली अपनी जेन्युइन फीलिंग्स की वजह से पहुंची हूं, ना कि उनकी तरह कोई घिसी पिटी कहानी, 10 साल की मोहब्बत, झूठी शेरो शायरी, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया. एक नेचुरल प्रोसेस थी, मेरे लाइकिंग डेवलप हुआ राहुल के प्रति और इसीलिए मैं यहां तक पहुंची हूं. ये लड़कियों ने जो भी बोला, इनका ओपिनियन 4 दिन पहले कुछ और था, आज इनका ओपिनियन कुछ और है. मेरे ख्याल से जिस इंसान का ओपिनियन हर 2 दिन में बदलता है, उसका ओपिनियन किसी के लिए मैटर नहीं करता. मेरे लिए जिसका ओपिनियन मैटर करता है वो राहुल है. राहुल का ओपिनियन हमेशा से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, तो मैं वेट करूंगी 6 मार्च का. ओके, आप चारों से तो पूछ लिया, मैं राहुल से भी पूछना चाहूंगा. टू बी फेयर ऑन ऑल ऑफ देम, कई जगह थोड़ा सा हार्शनेस जरूर हुई थी, इतने हार्श होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आखिर एक रिस्पेक्टेबिलिटी होनी चाहिए यार. दोस्तों कहीं भी हो तो जिंदगी में कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना हो ऐसा भी ना बोलो. सारी बातें हो चुकी हैं, अब देयर इज नॉट मच लेफ्ट टू बी सेड, इसलिए आई विश यू गाइस द बेस्ट लक. आप लोग जाइए, अब मैं आप सबसे इलिमिनेशन एरिया में मिलूंगा. चारों कंटेस्टेंट्स में मैं सबसे बेहतरीन हूँ ऐसा मैं मानती हूँ और जानती हूँ, तो आज मैं एलिमिनेट नहीं हो सकती. अगर वाकई में राहुल एक अच्छी पत्नी चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज मेरा एलिमिनेशन होना चाहिए. इस जीवन में राहुल का साथ जरूर मिले, एंड यही उम्मीद से आगे बढ़ रही हूँ और दुआ करती हूँ कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जरूर हो. अगर आज मैं एलिमिनेट हो जाती हूँ यहाँ से, तो मैं चाहती हूँ कि राहुल कुआरा ही रह जाए, क्योंकि इनमें से कोई तो मेरी फेवरेट है नहीं. इस सफर का ये आखिरी एलिमिनेशन है, सफर का ये सबसे मुश्किल एलिमिनेशन है. इसके 2 कारण हैं. फर्स्टली, क्योंकि आप चारों के साथ राहुल ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया है, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, आप चारों के घर गया है, आप चारों के परिवार वालों के साथ भी वक्त बिताया है. इस एलिमिनेशन के दौरान वो सिर्फ आपका ही चेहरा नहीं बल्कि आपके परिवार वालों का चेहरा भी दिखेगा. वंस अगेन आई विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. डिम्पी निकुंज आगे आइए. वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो भगवान के सामने तो किसी का बस नहीं चलता. जो भी होगा मैं अपनी किस्मत मानकर उसे एक्सेप्ट करूंगी. मैं यहां से बहुत सारी यादें लेके जाऊंगी, बहुत सारी सीख लेके जाऊंगी. आई लर्न्ड अ लॉट इन दिस शो
एंड ऑफ कोर्स राहुल को दिल में लेके जाऊंगी। आपका सफर यही खत्म होता है।